हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है फ्यू थिंग्स लेफ्ट आंसर, जो कि लिखी है सुदीप नगरकर ने। तो लास्ट में हम चैप्टर 3 देखा था और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 4, और इस चैप्टर का नाम है डिग्री कॉलेजेस रेड रेस। अब जो आदित्य होता है ना, उसने सुना होता है कि भाई जो डिग्री कॉलेज होते हैं ना, वो लड़की की स्कर्ट की तरह होते हैं। आदमी उसके अंदर तो झांकना चाहता है कि एक्चुअली में उसके अंदर है क्या, कैसा अंदर का व्यू है, क्या सर्विसेज मिल रही हैं। और जो रेड रेस होती है ना, वो शुरू हो जाती है स्कूल टाइम से ही कि भाई सबको अच्छे नंबर लाने, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और तो और आपको 4 साल सेम स्कर्ट देखनी है, ठीक है। उसके और 4 साल बाद ना आप बोर हो जाओगे। अब भाई इंजीनियरिंग के बारे में उसने क्या सुना होता है ना कि 80% आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो डिपेंड उस चीज़ पे करेगा जो आपने एक लेक्चर मिस करा है, और वही किताब जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। और तो उसने ना कुछ फ़नी बात भी सुनी होती है इंजीनियरिंग को लेके। उसने कहा था ना कि भाई एक बार क्या होता है ना, कुछ जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको एक काम दिया जाता है कि आपको एक ना पोल है उसकी हाइट नापनी है। अब जो सारे मैनेजर्स होते हैं ना, उसकी लंबाई नापना, हाइट को नापना शुरू करते हैं। अब वो चलते हैं, वो फिर गिर जाते हैं, ठीक है। उनका जो टेप होता है वो नाप ही नहीं पा रहे होते। तभी क्या होता है ना, एक इंजीनियर आता है तो उससे कहते हैं कि भाई हमें ना इस हाइट की, उसको इस पोल की हाइट नापनी है। अब वो इंजीनियर क्या कहता है ना, उस पोल को निकाल के ना निकाल देता है, वहाँ से उखाड़ के ज़मीन में लेटाल देता है, और उसकी ना हाइट नाप के ना उन लोगों को बता के चला जाता है। अब जो सारे मैनेजर्स होते हैं ना, वो हंसते हैं क्योंकि वो इंजीनियर चला जाता है, और वो लोग कहते हैं ना ये ना इंजीनियर की तरह था, क्योंकि हमें तो हाइट चाहिए थी और इसने ना हमें लेंथ बता दी। तो उसने कुछ ना ऐसे जोक्स भी सुने थे। अब जो आदित्य होता है ना, उसके पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि भाई हमारा तो बच्चा बनेगा इंजीनियर, ठीक है। स्कूल टाइम से ये डिसाइड हो चुका था, और उसका स्कोर कैसा भी था उससे कोई मतलब नहीं, इसको इंजीनियर ही बनना है। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई करा था। वो कॉलेज की वेबसाइट खोलता है, और जब अपना रोल नंबर सब कुछ डाल के चेक करता है ना, तो वेबसाइट स्लो चल रही होती है, उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी होती है। अब वो सोचता है ना कोई उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा मुंबई में या उसके आसपास में। अब जो उसके पापा होते हैं ना, वो बाहर गए होते हैं, तो उसकी मम्मी साथ में होती है, जो उसको दिलासा दिला रही होती है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। अब वो जब रिजल्ट के बटन पर क्लिक करता है ना, सडनली क्या होता है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ नहीं आता, और उसको समझ जाता है कि भाई उसका किसी भी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ। अब जो उसकी मम्मी है ना, जब वो अपनी मम्मी को देखता आदित्य, तो उसकी मम्मी की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वो फटाफट अपने ना बेडरूम में चली जाती हैं, और ये आदित्य के लिए बड़ा बुरा दिन था, क्योंकि उसने ना कहीं उसके नंबर तो अच्छे आए थे, लेकिन तब भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, और कहीं ना शायद उसी की गलती है। आदित्य को ये लगता था कि वो किसी कॉलेज में प्लेस नहीं हो पाया। अब वो सोचता है कि चलो मुंबई में कोई कॉलेज ना सही, मुंबई के कोई आसपास ही कॉलेज मिल जाए, क्या पता हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में कुछ ऑप्शन अच्छा आ जाए, सेकंड लिस्ट में हो जाए। अब वो ना अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी को कहता है कि मम्मी अभी नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट आएगी ना शायद उसमें हो जाएगा। अब वो क्या कहता है ना, समीर को फ़ोन करता है, जो कि इसका होता है पक्का दोस्त। अब वो आदित्य होता है ना, वो कहता है समीर तेरा हुआ कुछ प्लेसमेंट? तो समीर कहता है ना, हाँ भाई मेरा तो हो गया, मैं तुझे ही कॉल करने वाला था, मेरा ना यूरो कॉलेज में एडमिशन हो गया नवी मुंबई में, तेरे क्या हाल चाल है? अब भैया ये सुन के तो जो आदित्य होता है ना, उसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि उसको लगता है ना कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। जो समीर था उसके उससे भी कम नंबर आए हैं, आदित्य से कम नंबर है समीर के, लेकिन जस्ट बिकॉज वो OBC का है ना, तो उसको कोटा मिल गया। और तो और जो समीर था ना, उसने आज पार्टी के लिए बुलाया था सारे बच्चों को। अब ये देख के तो ना भाई उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता उसने, क्योंकि आदित्य को ही बुलाया होता है, लेकिन मजबूरी में आदित्य को जाना पड़ता है। अब जो ना समीर है, वो कहता है कि भाई दारू वारू पी ले, वो उसका मन नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी, क्योंकि आदित्य को लगता है ना कि दारू पीना है पैसा वेस्ट, लेकिन तब भी ना उसका मूड ख़राब नहीं होता, वो क्या करता है ना फिर पी लेता है। अब जो समीर होता है ना, वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि आदित्य का आज मूड ठीक नहीं है, तो वो समीर से कहता है कि यार तू टेंशन मत ले, तेरा एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, तू बस रिलैक्स कर और जो ये इन्जॉय कर इस मोमेंट को। अब आदित्य सोचता है ना, ये इसके लिए तो कहना बहुत ईजी है, क्योंकि इसका तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ ना अभी, ठीक है। वो अपने आप को ना कंसोलिडेट करता है कि चलो ठीक है हो जाएंगे, और ना दारू वारू पीता, उसको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ होता है कि ना उसने अपने माता पिता को शर्मिंदा करवाया और कुछ भी नहीं। और तो और उसने ये तो डिसाइड कर ही लिया होता है कि ना वो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन नहीं लेने वाला, जहाँ पर उसको 3 लाख का तो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन देना पड़े। अब अगली सुबह ना उसको एक लेटर आता है कोरियर से। अब जब वो लेटर खोल के देखता है ना, तो उसमें बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के वो होता है लेटर, क्योंकि ना उसको BMS में उसका एडमिशन हो चुका होता है, ठीक है, उसने अप्लाई किया था। लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते ना, वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनका बेटा इंजीनियर बने, और ये मैनेजमेंट उनको समझ में नहीं आता। अब जो उसके पापा होते हैं ना, जब वो बताता है ऐसा, तो उसके पापा ने तो साफ मना कर दिया था कि मेरा बेटा तो भाई इंजीनियर ही बनेगा, क्योंकि वो खुद भी एक इंजीनियर थे और वो चाहते थे उनका बेटा भी इंजीनियर बने। और जब उसने ये कन्विंस करने की कोशिश करी ना अपने पापा को कि भाई मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ,
तो उसके पापा ने कहा कि नहीं, नो बीएमएस, ये फाइनल हो चुका है, इंजीनियरिंग ही करनी है और कुछ भी नहीं। अब कुछ दिन बाद ना सेकंड लिस्ट आती है इंजीनियरिंग कॉलेज की, यूरो कॉलेज की। अब फाइनली जब वो रिजल्ट देखता है ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका हो गया यूरो कॉलेज में। अब भैया ये देख के तो ना जो उसकी मम्मी होती है आदित्य की, वो बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली मेरा बेटा बनेगा अब इंजीनियर। और ये ना कहीं उसको भी अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्रीम फुलफ़िल ना कर सका लेकिन मेरे माँ बाप इस चीज़ से खुश है तो मैं ये भी कर लूँगा। अब ना आदित्य सोचता है कि भाई एक ना ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एक गिलास में अगर आधा गिलास पानी है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए उसमें आधा गिलास पानी है। अब यही चीज़ उसके साथ भी थी, वो सोचता है चलो भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं, माँ बाप चाह रहे हैं, वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और क्या कर सकते हैं। अब उसने ना अपना माइंड बना लिया होता है कि भाई इंजीनियर ही बनना है, और तो उसको लगता है ना कि इंजीनियर बनने का सबसे प्लस पॉइंट ये है, जो लड़कियाँ होती हैं ना वो बहुत आसानी से पढ़ जाती हैं, और तो ना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि भाई एक इंजीनियर का ना रॉब अलग होता है। और तो और एक प्रॉब्लम भी ये है कि भाई सुबह साढ़े छः से लेकर शाम को 7:30 बजे तक जॉब करनी पड़ेगी, मॉर्निंग किसी सब कुछ बंद हो जाएगा, इंजीनियरिंग का ये भी डिसएडवांटेज है। और वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यार। अब जो आदित्य होता है ना, उसने अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया होता ऑफिशियली, लेकिन तब भी ना उसके दिन में ये ख्याल आता है कि भाई कॉलेज में मिलेंगी उसको बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ जिनका शेप और साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब होता क्या है ना, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसने लिया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि भाई मैकेनिकल और सिविल में तो बिल्कुल भी लड़कियाँ नहीं होती, और लड़कियों के बिना वो जी नहीं सकता। और कंप्यूटर आईटी में भी सेम लड़कियाँ थी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। और तो और जो कंप्यूटर और आईटी की लड़कियाँ थी ना, वो काफ़ी अच्छी थी कर्व में। अब जो समीर होता है ना, उसका पक्का दोस्त, उसने ली होती है सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसने हमेशा से ये प्लान किया था कि वो सिविल इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो आदित्य होता है ना, उसका कोई प्लान ही नहीं होता उसे करना क्या है ज़िंदगी में, वो बस अपने माता पिता के कहने पे इंजीनियरिंग कॉलेज में आया है। अब ना उसको तीन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लग रहा होता है, तीन रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न कि भाई उसके माता पिता खुश थे इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा कि जिस कॉलेज में समीर है उसको उसी कॉलेज में एडमिशन मिला है, और तीसरा ये था कि भाई जिस ब्रांच में वो आया है ना, उस ब्रांच में काफ़ी सारी लड़कियां हैं, तो भाई एटलीस्ट उसको आगे के 4 साल अकेले नहीं काटने पड़ेंगे, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, ठीक है, जिनके कर्व्स, स्कर्ट्स और क्लीवेज दिखेंगे उसको, क्योंकि वो लड़कियों के बिना तो रह ही नहीं सकता। अब जो कॉलेज है ना, वो ऑफिशियली 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला होता है, और वो डिसाइड करता है ना कि भाई पहला इंप्रेशन ना लड़कियों पे बहुत अच्छा जाना चाहिए, तो वो नई टी शर्ट, नए जूते, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नया नया खरीदता है, और चाहता है ना बिल्कुल एकदम बेस्ट इंप्रेशन दे पहले। अब जब सबसे पहला दिन होता है ना 3 अगस्त को, तो उसको कॉलेज पहुंचना होता है 10:30 बजे। अब वो उसी हिसाब से ना 9:30 बजे अपने घर से निकल जाता है। अब ना बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, अब वो सोचता है ना कि भाई मेरे फाइनली माता पिता की जो ड्रीम थी ना वो सच होने वाली है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ। और जो पहला लेक्चर होता है ना कॉलेज में, वो 11 बजे से होता है, और वो ना 10:15 पर ऑलरेडी कॉलेज में पहुँच चुका होता है। और तो जो कैंपस होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो रास्ते होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं उसके लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे रास्ते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है। अब ना जो क्या होता है, वो लोग बाहर देखता है ना, तो कुछ बच्चे एक साथ इकट्ठे खड़े होते हैं, तो सीनियर्स आके उनको कहते हैं ना कि भाई सब क्वाड्रेंगल में आ जाओ। अब जब वहाँ जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि भाई काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हैं, और वहाँ पे ना बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, अलग अलग शेप की, साइज़ की। कुछ लड़कियाँ स्माइल कर रही हैं, कुछ ने जीन्स पहन रखी है, टाइट जीन्स पहन रखी है, और ये देख के ना आदित्य को अच्छा लगता है, वो सोचता है कि भाई ये बढ़िया यार, बढ़िया ज़िंदगी चलेगी। तभी क्या होता है ना, कुछ सीनियर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई कुछ बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ, कुछ सेकेंड फ्लोर पर आ जाओ। अब जो आदित्य था ना, उसको कहते हैं कि भाई S3 फ्लोर पर जाओ। अब जब वो वहाँ पहुँचता है ना सेकेंड फ्लोर पर S3 कमरे में, तो वहाँ पर ना उसके साथ साथ 15 लोग और भी होते हैं, जिसमें से कुछ लड़कियाँ भी होती हैं। अब फाइनली आदित्य समझ चुका था कि भाई इन्होंने बुलाया है उनको रैगिंग के लिए। अब होता क्या है ना, जो एक सीनियर होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा, 6 फीट लंबा होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं उसके कंधे तक, वो आदित्य के पास आता है, उसको कहता है ना कि भाई अलग लाइन से खड़े हो जा। और एक लड़की होती है ना, जिसने रेड कलर का टॉप पहन रखा होता है और लोवे जीन्स पहन रखी होती है, उसको कहता है ना कि तू भी अलग हो जा। और जो लड़की का फिगर होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है, उसकी जो एस होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। अब भाई जो वो होता है ना आदित्य, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि भाई हमें अलग क्यों खड़ा कराया। तभी इतने में क्या होता है ना, जो सीनियर्स होते हैं, जो सारे बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं कि भाई स्ट्रिप हो जाओ, नंगे हो जाओ, और तो और उस तरफ को चेहरा करवा देते हैं क्वाड्रेंगल की तरफ, जहां बाकी के जो जूनियर्स होते हैं वो भी होते हैं, और उनको ना नंगा देख सके। अब भैया ये देख के तो ना जो आदित्य होता है, उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई एटलीस्ट चलो उसको नंगा नहीं होना पड़ा, क्योंकि आज उसने ना ग्रीन कलर का अंडरवियर पहना है, और अगर वो नंगा हो जाता तो सब बच्चे ना उसी को देख के हंस रहे होते। अब भाई जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, वो सब नंगे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, और तो और आदित्य को लगता है ना कि भाई मैं पब्लिक ह्यूमिलेशन से बच गया, वरना क्या ही होता मेरा मजाक। अब जो बगल में लड़की होती है ना, वो काफ़ी नर्वस होती है,
ये आदित्य को पता चल जाता है, तो आदित्य से उससे पूछता है उसका नाम क्या है, तो वो बताती है ना कि उसका नाम निकिता है, जो कि मुलंड में रहती है, सेंट्रल मुंबई में, और तो और कॉलेज से उसका घर 8 किलोमीटर दूर है, और आदित्य के घर से ना वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहती है, तो वो पास ही में थी। अब ना उससे थोड़ा बातचीत करता है, थोड़ा उसको सही कंसोलिडेट करता है। अब होता क्या है ना, जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं ना उन सबको सीनियर्स कहते हैं कि भाई अब तुम चले जाओ, और जो निकिता है आदित्य से वो बचते हैं क्लास में। अब जो सीनियर होते हैं ना वो उनसे कहते हैं कि भाई आदित्य तुझे इस लड़की को करना है प्रपोज, और निकिता को करना है तुझे किस, और उसके बाद ना तुझे एक थप्पड़ मारना है। अब भैया ये सुन के तो ना जो आदित्य होता है उसको अच्छा तो बड़ा लगता है कि भाई पहला दिन कॉलेज में और उसको जो क्लास में सबसे माल लड़की है ना उससे किस होने का मौका मिलेगा, और क्या चाहिए यार लड़के की ज़िंदगी में। लेकिन एक उसको थप्पड़ भी मिलेगा ना, उसको इस चीज़ का थोड़ा बहुत दुख भी था। अब वो सोचता है ना कि भाई अगर ये चला तो फ्यूचर में ना मैं इसके पास भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं इसको फेस कैसे करूँगा कि एक तरफ तो किस भी मिली और दूसरी तरफ थप्पड़ भी मिल गया। अब वो क्या करता है ना, उसके पास जाता है जैसा सीनियर्स ने कहा होता है, उसके बगल में तो खड़ा होता है, उससे कहता है ना आई लव यू। अब जो सीनियर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई नहीं पर ये पसंद नहीं आया तेरा प्रपोजल, ढंग से प्रपोज कर, दोबारा से कर। अब ना वो फिर से उसको कहता है कि मैं ना अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम भी ऐसा करोगी। अब भाई इस बार भी ना सीनियर्स कहते हैं भाई क्या कर रहा है, मज़ा ही नहीं आया। अब जो आदित्य होता है ना वो तीसरी बार प्रपोज करने जाता है, और वो इस बार क्या कहता है ना, वो कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो मुझे उसका जवाब दोगी। अब जो निकिता होती है ना वो कहती है हाँ। तो आदित्य कहता है ना कि एक बार ना एक घर में दो चिड़िया थी, एक चिड़िया का नाम था आई लव यू और दूसरी चिड़िया का नाम था यू लव मी। तो क्या होता है जो यू लव मी चिड़िया होती है वो उड़ जाती है, तो बताओ घर में कौन सी चिड़िया बची। अब आदित्य को ये लगता है ना कहीं उसने सवाल पूछ के गलती तो नहीं कर दी ऐसा बोल के। लेकिन क्या होता है ना जो सारे सीनियर्स होते हैं ना वो उसको देख के हंस पड़ते हैं, और तो जो निकिता होती है ना वो आंसर का देना चाहती है, तो निकिता कहती है ना कि आई लव यू। अब जो सीनियर्स होते हैं ना वो बहुत चिल्लाते हैं कि भाई अब तो किस करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी किस करो। अब ना उसके बिल्कुल बगल में खड़ी होती है, ठीक है, और जो आदित्य होता है ना उसको लगता है भाई मेरी किस होने वाली है, फाइनली कैसा होगा, मज़ा आ जाएगा, और शायद ना इस लड़की की मेरी पहली किस हो। अब ना उसके पास जाता है, उसके कान में कहता है तुम टेंशन मत लो, कोई भी डील बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, और मैं बिल्कुल अच्छे से पेश आऊँगा, आई प्रॉमिस। अब ना वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और ठीक है, और किस किस के सब लोग सीनियर चिल्ला ही रहे होते हैं, और फाइनली ना वो किस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो किस करते हैं ना वो एक दूसरे में खो जाते हैं, और तो और उनकी जो टंग होती है ना वो एक दूसरे से टच हो रही होती है, और आदित्य को पता चल चुका होता है कि भाई ये इस निकिता की ना पहली किस नहीं है, इससे पहले भी इसने बहुत किस कर रखी है, और ना ही आदित्य की ये पहली किस थी। तो ठीक है, तो दोनों बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। अब जो सीनियर्स होते हैं ना वो कहते हैं अब भैया रुक जाओ, ठीक है, हमने बहुत देख लिया है तुम्हारा किस, ठीक है, अब रुक जाओ। अब ना उन दोनों को रुकवा लेता है, अब दोनों की आंखें बंद होती हैं। अब जब उनकी आंखें खुलती है ना, अब जो सीनियर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई अब इसको ना थप्पड़ मारो। अब भैया पूरी क्लास में होता है साइलेंस कि अब ये पिटने वाला है, चलो किस तो मिल गई लेकिन पिटने भी वाला है। अब वो ना कस के उसको निकिता उसको थप्पड़ मारती है, वो ना एक बार को तो अपना बैलेंस ही खो देता है, सीट के सहारे रुकता है वो ताकि गिर ना जाए नीचे। अब ना उसको बड़ा बुरा लगता है, और फिर ना सीनियर्स कहते हैं कि भाई अब तुम भी जाओ यहाँ से। अब जो निकिता होती है ना वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आदित्य को लगता है ना कि मैंने किस अच्छी नहीं करी क्या यार, उसके ना पीछे पीछे भागता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निकिता थी ना उसने किस तो बहुत अच्छी करी थी, एक्सीलेंट किसर थी वो। अब वो उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन वो सुनती नहीं है, वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। अब निकिता के जाने के बाद ना आदित्य जो क्वाड्रेंगल होता है ना वहाँ पे आता है, अपनी क्लास का टाइम टेबल नोट करता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में वो देखता है। तब उसको पता चलता है कि भाई उसकी क्लासेस ना काफ़ी लंबी चलने वाली हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उसकी क्लासेस हैं, लगभग 7 घंटे। और तो और जब वो सब्जेक्ट के नाम देखता है ना तो और कन्फ्यूज़ आता है कि साला इतने कॉम्प्लिकेटेड से नाम थे सब्जेक्ट के, और नाम क्या क्या थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस, बी सीपीआई, सीपी1, अप्लाइड मैकेनिक्स, और जो उसको रोल नंबर मिलता है ना वो मिलता है 36, ई सेक्शन में होता है। अब जो उसका पहला दिन होता है ना कॉलेज का, उसकी क्लास लगभग 2 बजे शुरू होने वाली थी। अब क्या होता है उसके बीच में थोड़ा उनका लंच ब्रेक होता है, ठीक है, वो बैठ के अब लंच करना शुरू करता है। अब जो कॉलेज का क्लासरूम होता है ना वो ऐसा होता है जैसे मूवी हॉल हो, एक के ऊपर एक थोड़ा एलिवेटेड सा होता है, जैसे पिक्चरों में होता है ना सबसे ऊपर सीट फिर नीचे ऐसा होता है उसका क्लासरूम। अब जब वो क्लासरूम में जाता है ना सबसे लास्ट वाली सीट लेता है वो हमेशा की तरह, ताकि हर एक बच्चे को ना क्लास में ढंग से देख सके। और तो और वो ना उसकी नज़र आदित्य की रहती है लड़कियों पर, क्योंकि कुछ ना माल लड़कियाँ भी होती हैं उसकी क्लास में, और वो ना खुश होता है कि चलो एटलीस्ट मैं अच्छी क्लास में हूँ। और जो समीर होता है ना उसका सेक्शन होता है दूसरा। अब वो क्या करता है ना, उसके पड़ोस में एक लड़का बैठा होता है, उससे बातचीत शुरू करता है, उसका नाम होता है स्वप्निल। वो ना एवरेज लुकिंग लड़का होता है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है, 5'6" उसकी हाइट होती है। और तो और वो जहाँ आदित्य रहता है ना उसके घर के पास ही रहता है। अब फाइनली जो पहला लेक्चर स्टार्ट होता है ना वो काफ़ी बोरिंग होता है, प्रोफेसर क्या समझा रहा होता है जो कुछ भी समझ नहीं आता, कोई BJT ट्रांजिस्टर्स पढ़ा रहा था वो। और तो कुछ ना फनी से ब्लॉक डायग्राम बनाता है। अब ये देख के तो सोचता है यार कि अगले 4 साल मैं कैसे बिताऊंगा इस कॉलेज में,
और तो और फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उसकी बी प्रैक्टिकल्स की क्लास थी। अच्छा वो लैब में जाता है ना तब तो वो और भी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि लैब में बैठने का तो छोड़ो, वहाँ पंखे भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। और वो सोचता है ना कि अपने आप को, यार मैं 4 साल इस जगह में काटने, उसको समझ ही नहीं आता कैसे कटेंगे। लेकिन ना उसने जब कुछ सीनियर से बात करी थी ना, तो एक चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी थी कि भाई इस कॉलेज का जो एलुमिनी बेस है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए थे। और तो और इस कॉलेज का ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पढ़ाई के मामले में, तो ये छोटी बहुत चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेंगी भाई। अब ना कुछ वो बच्चों से बात करता है तो उसके कुछ दोस्त भी बने थे, एक बना स्वप्निल एक बना अनूप, ठीक है 2 दोस्त उसके बन गए, तो मतलब इन 3 की गैंग हो गई, और समीर को मिला के ये लोग 4 हो गए। और ये लोग ना एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। अब 10:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक एक ही क्लास अटेंड करना ऐसा हो गया जैसे एक ही पिक्चर मल्टीप्लेक्स में बार बार देखना। और फिर लोग क्या करने लगे, क्लास रेगुलरली बंक करने लगे। और उनको समझ नहीं आता था कि यार जो ये पहली सीट पे बैठते हैं फर्स्ट बेंचर्स, ये इतनी बोरिंग क्लासेस ले कैसे लेते हैं यार। अब ना नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका होता है, मंडे की मॉर्निंग होती है, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है कॉलेज का। जो स्वप्निल होता है ना वो उबासियाँ ले रहा होता है, और आदित्य भी सेम वैसे उसको भी उबासी आ रही होती है। अब जो स्वप्निल है ना वो नए नए तरीके ढूंढता है कि भाई कैसे लेक्चर को बंक किया जा सके, और ना वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और तो और उसको पता होता है कि भाई जो फर्स्ट बेंचर्स है ना वो कभी कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे अटेंशन दे रहे होते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है जैसे कि शकीरा नाच रही हो, अपने हिप्स हिला रही हो, वो लोग देख रहे हो। अब वो ना सोचते स्वप्निल के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अब वो ना सोचता है कि भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। अब वो ना क्या कहता है ना, वो एक मैसेज ना कहता है कि भाई ये मैं तेरे को मैसेज भेज रहा हूँ, ये ना सबको फॉरवर्ड कर दे। और वो मैसेज में लिखा होता है ना कि भाई मास बंक है ब्रेक के बाद, और पूरे ये बैच को बता दो। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग पूरी अपने बैच में ये इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कि भाई आज है मास बंक। अब जो कुछ बच्चे होते हैं ना वो पहले तो डरते हैं कि भाई हम अगर मास बंक करेंगे तो हमारे नंबर कम आ जाएंगे टर्म पेपर में। और तो और जो कुछ होते हैं ना इरिटेटिंग से स्टूडेंट, ठीक है वो बिल्कुल बंक ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हम प्रोफेसर की क्लास लें। और ऐसा हर कॉलेज में होता है कि भाई, और ना प्रोफेसर के तलवे चाटते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं ताकि कुछ उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। अब जो स्वप्निल होता है ना वो इतने बिल्कुल कंफर्म कर रखा होता है कि वो किसी को भी क्लास में बैठने नहीं देंगे। तो अब वो क्या करता है ना, सबको मैसेज फॉरवर्ड तो उन्होंने कर ही दिया होता है कि भाई मास बंक करना है। और तो उनकी क्लास में ना 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम सीरियस वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है, वो उनको भी ना कन्वेंस करके ना उनको घर भेज देता है। अब जैसे ही प्रैक्टिकल ओवर होता है ना पूरी क्लास वो लोग बाहर खड़े हो जाते हैं जहाँ अगली क्लास लगने वाली होती है, और वो सबको कहते हैं कि भाई तुम भी घर चले जाओ। और जो 6 बच्चे होते हैं ना जो बहुत पढ़ाकू होते हैं वो उनको भी घर भेज देते हैं कि भाई तुम भी घर जाओ, आज तुम भी क्लास नहीं लोगे चाहे कुछ हो जाए। अब ना आदित्य और स्वप्निल वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई कोई बच्चा क्लास में आया नहीं आया। अब वो ना छुप के देखते हैं कि जो प्रोफेसर है ना कोई बच्चा नहीं आया। तो प्रोफेसर आता है, वो देखता है कि भाई गेट है बंद, वो गेट खोलता है, अंदर जाता है, थोड़ी देर रुकता है वहाँ पर 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद ना वो वहाँ से निकल जाता है। अब जाते वक्त ना एक लड़का है उसको बुलाता है और ना उसको कुछ बताता है, ये आदित्य और स्वप्निल देख रहे होते हैं। और वो जब लड़का आता है ना इनके पास तो वो कहता है ना कि भाई क्या बताया तुम्हें, तो वो लड़का कहता है ना उनने मुझसे कहा सर ने कि सबको ना पनिशमेंट के तौर पे असाइनमेंट सबमिट करना है। जो स्वप्निल होता है वो कहता है पनिशमेंट असाइनमेंट, वो कहता है हाँ हमें ना 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कंबोजकर बुक से। अब जो आदित्य होता है ना वो कहता है अरे भूल जाओ यार, उसने अटेंडेंस तो नहीं ली ना तुम्हारी, वो कहता है नहीं अटेंडेंस तो नहीं ली। अब वो ना वहाँ से चला जाता है और वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं ना, और पहली बार पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने मास बंक करवाया होता है। और तो ना ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि भाई आपको सबको कन्विंस करना है मास बंक के लिए, लेकिन जो ये फीलिंग थी ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना पढ़ाकू जो बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप है उनका जैसे का प्रोफेसर का है, लेकिन सबको कन्विंस करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और उन लोगों को ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई उनको मिल गई उनको इंजीनियरिंग की डिग्री, और ना बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि फाइनली उन लोगों ने मास बंक को सक्सेसफुल करा दिया, सब पूरे बैच ने मास बंक करा है। और तो और मास बंक के चलते ही ना उन लोगों को 4 असाइनमेंट मिले अलग अलग प्रोफेसर से। और जो स्वप्निल और वो लोग उन लोगों ने डिसाइड करा कि वो लोग ना क्लास बंक करके अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे, और जो अनूप था ना उस वो भी उनको ज्वाइन करेगा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, एक क्लास का लड़का होता है रोहित जिसने ऑलरेडी असाइनमेंट कर लिया होता है, उसका फटाफट असाइनमेंट लेते हैं और तो और ना वहाँ से क्लास से निकल जाते हैं। अब वो ना समीर को कॉल करता है, वैसे तो समीर का कोई असाइनमेंट नहीं होता करने के लिए, लेकिन भाई जो क्लास को बंक करना होता है ना उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और वो चारों लोग ना वहाँ से जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन होता है ना एरोल रेलवे स्टेशन, वो वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर होता है इनके कॉलेज की नवी मुंबई में, तो वहाँ पे चले जाते हैं वो। और ना ये सबसे बेस्ट प्लेस होता है क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छा टाइम बिताने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर आप असाइनमेंट भी लिख सकते हो जो कि करने वाले थे, क्योंकि वहाँ ना जो ट्रेन है एक ट्रेन जाती थी 2-3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आती थी। अब भाई जो बाकी के प्लेटफॉर्म थे ना नवी मुंबई में वो काफ़ी भरे भरे रहते थे, ट्रेनें बहुत जाती थी, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी ऐसा, और पास में भी था तो लोग वहाँ पर चले गए। अब जब वो वहाँ जाते हैं ना तो देखते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह पूरा खाली,
कुछ कपल्स बैठे हुए थे हाथ में हाथ देके, अब वो ना फटाफट अपना असाइनमेंट लिखना शुरू करते हैं और जो समीर होता है ना वो बोर होने लगता है, तो फाइनली वो पूछता है सवाल स्वप्निल और अनूप से, तो वो कहता है ना कि भाई तुम लोग इंजीनियरिंग करना चाहते थे या फिर तुम्हें फोर्स किया गया तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कि तुम इंजीनियर बनो। जो स्वप्निल होता है ना वो कहता है मैं तो हमेशा से इंटरेस्टेड था इंजीनियरिंग करने में, मैं चाहता हूँ एक आईटी इंजीनियर बनना क्योंकि भाई ये आपको ना वाइट कॉलर जॉब देता है और तो जिस काइंड जो काइंड होता है ना उनका लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा क्या कहना है? तो जो समीर होता है ना वो कहता है सेम ईयर, और तो और मैं हमेशा से सिविल इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि ना ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है बाकी इंजीनियरिंग के हिसाब से, और जो सिविल इंजीनियर है ना उसकी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है और तो और काफ़ी ना ब्लैक मनी भी कमाया जा सकता है। अब जो अनूप होता है ना वो कहता है क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? अब जो समीर होता है ना वो कहता है नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस बात से भी इनकार नहीं करोगे कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता है, पानी लोगे वो पैसों से लोगे, खाना लोगे वो पैसों से लोगे, और तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा पैसा किस में मिलेगा यार, और सिविल इंजीनियर पे तो अगर तुम कर रहे हो ना तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब जो आदित्य होता है ना वो कहता है अनूप तुम्हारे क्या हालचाल है, तुम बताओ भाई अपने बारे में। जो अनूप होता है ना वो कहता है क्या यार, क्या तुम जितना ज़्यादा सोचते हो, हमें कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना ठीक है, अब हम कुछ बदल तो नहीं सकते, अब तुम काम कर लो वरना हमारे ना लौड़े लग जाएंगे, और तो ये सब बातें करना बंद करो सिर्फ असाइनमेंट करो वरना जो देशमुख सर है ना वो हमारे डिक को कट करके ना छोटे छोटे पीस बना देंगे। अब जो उसकी स्पीच होती है ना आदित्य को मज़ा आ चुका होता है, वो सोचता है चलो मेरी तरह कोई तो है जो ऐसा सोचता है, और तो जो इंजीनियरिंग है ना वो एक शादी की तरह है ठीक है, जो कुंवारे होते हैं ना वो शादी करना चाहते हैं और जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं कि भाई हम तो गए मर। अब वो लोग क्या करते हैं ना वहीं पर असाइनमेंट ख़त्म करते हैं अपना, लंच वंच करते हैं वहीं पर और ना कॉलेज की तरफ आना शुरू करते हैं। जो अनूप होता है ना वो एक टपरी को देखता है ठीक है, अब वो क्या होता है ना उसको पता नहीं होता कि अनूप स्मोक करता है। जो स्वप्निल होता है ना वो कहता है कि अनूप तुझे पता है स्मोकिंग किल्स, जो अनूप कहता है ना वो कहता है हाँ स्मोकिंग किल्स लेकिन हल्के हल्के। अब जो आदित्य होता है ना उसको जो अनूप के रिप्लाई होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, और तो और कहीं ना कहीं ना जो उसका वो होता है ना मतलब एक्साइटमेंट होता है कि वो भी स्मोक करे वो बढ़ रहा होता है, और जो समीर है ना वो भी पीता है। अब वो ना उसको फोर्स करते हैं कि भाई एक बार पी के तो देख, एक बार पी के तो देख, और जो अनूप होता है ना वो कहता है अरे एक बार ट्राई तो कर यार, कुछ भी सीरियस नहीं है, पहले तेरे को खांसी आएगी ठीक है उसके बाद तेरे को आदत हो जाएगी, और तो जो सिगरेट है ना वो तेरे माइंड को जगा के रखेगी, तू बहुत अच्छे से सोच पाएगा, एक पफ तो लेके देख। अब फाइनली क्या होता है ना वो कहता है चल ठीक है एक सिगरेट लिया। अब जो अनूप होता है ना वो कहता है भैया एक गोल्ड फ्लैग देना, अब वो क्या कहते हैं ना उसको गोल्ड फ्लैग दे देते हैं, और वो ना पहली बार जब सिगरेट हाथ में पकड़ता है ना तो उसको बड़ा अच्छा सा एहसास हो रहा होता है, और वो ना एक बार सिगरेट पीना शुरू करता है, और तो और फिर 5 मिनट के बाद ना वो ऐसे छल्ले उड़ा रहा होता है कि पूछो मत, बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका होता है, और उसको भी अच्छा लगता है कि भाई फाइनली उसने भी स्मोक करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ। अब वैसे तो पता है जो सिगरेट होती है वो सिर्फ ओनली कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जिस पर लिखा रहता है कि जैसा इस पर यूज़ लिखा गया ना ऐसे यूज़ करो, वैसे आप यूज़ करोगे तो मर जाओगे, लेकिन तब भी लोग इन्जॉय करते हैं क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, तो भाई चिंता किस बात की, हल्के हल्के मरो आराम से। अब वो ना स्टार्ट कर देता है सिगरेट पीना भी, आदित्य को भी सिगरेट लत लग जाती है। अब ये लोग ना रेगुलरली क्लास को बंक किया करते थे, बारिश में घूमने जाया करते थे, और जो समीर था ना वो सजेस्ट करता है कि भाई पास में ही ना एक वाटरफॉल है हमें वहाँ जाना चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं ना वहाँ से निकलते हैं, ऐसे अगले दिन की बात है ये, वो लोग वहाँ जाया करते थे वाटरफॉल पर घूमने ठीक है, और बियर की बोतल लेके जाते थे। जो आदित्य था ना वो पीता नहीं था, कभी कभार पीता था लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, वो सिगरेट ही लेता था वो हमेशा पीने के लिए अपने, और ये लोग ना इन्जॉय कर रहे थे अपनी पूरी फुल लाइफ। और तो और उनकी ना जो आदित्य था उसको उनके जोक्स बहुत अच्छे लगते थे, जो पीने के बाद वो फालतू के जोक्स बकवास किया करते थे ना वो उसको बड़ा अच्छा लगता था, और तो और जो समीर था ना उसको लगता था कि उसके अंदर कुछ ख़राब आदतें हैं, लेकिन आदित्य को पता था कि भाई जो समीर है ना वो लड़का बहुत अच्छा है, उसने उसकी हमेशा मदद करी है कैसा भी टाइम रहा हो, और वो ना उस फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। जो स्वप्निल था ना वो उसका नया नया दोस्त बना था, बड़ा फ्रैंक गाय था, उसके अंदर कोई एक्स फैक्टर ज़रूर था जो कि आदित्य अभी तक डिकोड नहीं कर पाया था, और उन्हें लड़कियों को बहुत आसानी से चार्म कर लिया करता था ठीक है, फंसा लेता था अपनी बातों में, और आदित्य को पता था कि भाई ये ना बंदा मेरे लिए लड़कियाँ मेरे पास ज़रूर लेके आएगा ठीक है, क्योंकि यही एक क्वालिटी है एक अच्छे दोस्त की। और जो अनूप था ना वो आदित्य उसको समझ ही नहीं पाया ये अनूप लड़का कैसा है, उसके साथ दोस्ती तो थी लेकिन वो इतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, वो अपनी दुनिया में खोया रहता था, और तो वो बिल्कुल ना मतलब ट्रांसपेरेंट था, जैसा होता था वो तुरंत मुँह पे बोल देता था, लेकिन कहीं ना उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग थी ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।